गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ हम फिर से वापस आ गए हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं रोप चैलेंज। देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है। और यहाँ पे हम और भाई भयंकर वाला चैलेंज करने जा रहे हैं। गला दबा दूंगा। ये राय दे भाई, देख लिया तू। और आज झाड़ू भाई ने लगाया है, हमने नहीं लगाया है। बस मैं अंदर झाड़ू वाड़ू लगाने जा रही हूँ। पहले रस्सी चैलेंज खेल लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। और बाहर का मौसम आज बहुत ही बढ़िया है, दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम। और यहाँ पे भाई ने कूदना शुरू कर दिया है। और तो अभी चलते हैं, फटाफट से हम कूद लेते हैं, उसके बाद काम वाम करना है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, और मैं अभी बस झाड़ू वाड़ू लगा ली हूँ और मैं थोड़ा डस्टिंग करने लगी थी। और आज मैं स्पेशली अपनी मशीन को साफ कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने उसको साफ़ नहीं किया था। ढक कर के रखे थे लेकिन उसके बावजूद भी गंदगी जो है वो चली जाती है। तो ये ऊपर हमारे देख रहे हैं आप, खुला हुआ है, तो इससे ना गंदगी आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है और आती भी है। इसमें जाली लगी हुई है, देख सकते हैं ऊपर जाली लगी है, उसके बाद भी इसमें गंदगी आती रहती है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, सब चीज़ों को ढक करके रखना पड़ता है। डाइनिंग टेबल तो डेली साफ करना पड़ता है क्योंकि उस पर तो जाहिर सी बात है ये खुला है तो गंदगी आएगी, क्योंकि पास में ही डाइनिंग टेबल रखा हुआ है ना। ये बहुत बड़ा खुलवा दिया था, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी जब ऊपर बनेगा ना तो सब अच्छे से छोटा हो जाएगा। और मैं आपको अपनी मशीन दिखाती हूँ फटाफट से कि मैंने उसमें क्या सफाई की और उसमें क्या क्या कैसे किया है। और मैं मशीन चलाती हूँ तो बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि बता देते हैं। ये पीको फॉल की लगी हुई है, तो इस पर हमारी जो छोटी वाली मशीन है वो भी लग जाती है, तो उसको भी लगा के सिलाई कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मशीन। तो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इसमें तेल डालना होता है जिससे कि इसमें जंग वंग ना लगे। तो ये एक हो गया, और ये दोनों तो रील के लिए हैं, तो इसमें धागा फंसा के इधर से फिर इधर फंसा के फिर नीचे लेके जाया जा सकता है। और जो ये वाला धागा है ना, ये ना नीचे से आया है, जो नीचे हम लोग धागा नहीं लगाते हैं उसका धागा है, तो उसमें लगा हुआ है, बाइबिन उसको बोलते हैं।
उसमें लगा हुआ है, तो फिर यूसी का धागा है और मैंने जो यहाँ पे धागा था उसको निकाल दिया है। और ये जो है ये हमें कितना, जैसे हमें फॉल लग करना है तो उसका नंबर है कि कितने नंबर पे हमें फॉल लगा के करना होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर पे लगाया है। तो 2 नंबर से थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा 1 की साइड गया है, 2 नंबर से थोड़ा सा कम है, तो उस पर लगा के पीको करना तो बहुत अच्छी पीको होती है। और ये उषा की मशीन है जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये सब है, यहाँ से रील भरी जाती है, जो रील हम जैसे धागे में डालना है, नीचे से जो बाइबिन होता है, जो नीचे से बाइबिन होता है उसमें धागा डालने के लिए आप यहाँ से धागा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऐसे उठता है ये, और ये ऐसे ऐसे बैठ जाता है। और वैसे आप चाहें तो इससे भी भर सकते हैं, इसमें लगा के कुछ तो इससे भी भरा जाता है। और इसमें पीछे मोटर भी लगी है, ये मैं मोटर से चलाती हूँ अभी फ़िलहाल। ये उसका, इसको ऐसे हम पैर से पुश करते हैं तो ये चलती है। तो ये है इसका नीचे का पार्ट, तो मैं इसकी बात कर रही थी, एक मिनट रुक जाइए दिखाती हूँ। तो मैं इसकी बात कर रही थी, ये है बाइबिन, तो इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। अभी रुक जाइए एक मिनट, सुई हमारी ऊपर है, सुई ऊपर है, तो इसको हम इस तरीके से ऐसे निकाल लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा उठाना पड़ता है, उसके बाद ही निकलता है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, तो ये निकल आया, तो ये उसी का धागा है, ये देखिए धागा निकल के आ रहा है। तो इसको वापस से हम निकाल लेंगे अब। तो मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया है, तो मैं इसकी बात कर रही थी कि इसको ना पहले मैं धागा डाल के दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से धागा डालते हैं। और पहले मैं नीचे दिखा देती हूँ, ये है इसका पहिया, ये जिससे हम पैर की मदद से इसको चलाते हैं इस तरीके से, इसको हम पैर से ऐसे पुश करते हैं और ये ऐसे चलता रहता है। इसको हमें ज़्यादा तेज़ से नहीं करना है, आप पैरों की मदद से थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आ जाएगा इस तरीके से। अभी मैंने इसमें लगाया नहीं है क्योंकि मैं इसे चलाती नहीं हूँ ना, तो अभी उतनी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। जब कभी कभी लाइट नहीं रहेगी या फिर कुछ नहीं रहेगा तो फिर मैं चलाऊँगी इसको। मैं ना आपको एक दिन चला के दिखा दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं धागा डालना सिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले ये धागा है, इसको हमें यहाँ से पकड़ना है और इस तरीके से इसको निकालना है। और जो ये हमारी रील है ना, इसको हम इसमें लगाएंगे सबसे पहले। इसमें मैंने फंसा दिया है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट अभी क्लियर दिख रहा है। तो इसको हम इसमें फंसा देंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है और फिर हमें इसमें लेके जाना है, यहाँ पे ये धागा डालना है। तो हम पहले आगे की साइड से ऐसे लेके जाएंगे और पीछे की साइड से हमें इसको इस तरीके से यहाँ पे इसको डालना है। और फिर आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, ये छोटा सा, हमें इसके अंदर इसको ऐसे डाल देना है। डाल दिया, उसके बाद फिर ये आपको दिख रहा होगा, ये इसको हम इसमें धागे को डाल देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने इस तरीके से हमें इसमें डालना है, उसके बाद हमें धागे को पकड़ना है और यहाँ पे हमें ये छोटा सा एक और है तो उसमें हमको डाल देना है इस तरीके से। और डालने के बाद फिर हमें इसको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको बैठा देना है जिससे कि जो सुई में धागा चला जाए। उसके बाद फिर हमें धागा डालना है सुई में, तो मैं बताती हूँ सुई में धागा कैसे डालते हैं। तो अब हम आ गए अपनी मशीन के पास, सुई के पास। ये सुई है हमारी, ये दिख रहा है आपको अच्छी खासी। और इसके बाद ये हमें धागा पकड़ना है, धागा दिख रहा है आपको। ये हमें क्या करना है, इसको ऐसे सीधे पकड़ना है, सीधे चलने तो कर रहे हैं, इधर से ऐसे करेंगे और फिर इसको ऐसे। बुला के
सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं नीचे के पार्ट की साइड जहाँ पे हम बाइबिल लगाते हैं। यहाँ पे हमें कैसे लगाना है मैं ये आपको बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये बाइबिन है और इसका जो ये पार्ट है ये यहाँ पे थोड़ा सा खुली हुई जगह है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें एकदम ऐसे ही रखना है और फिर यहाँ पे ऐसे लेके जाना है इस तरीके से। और ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ना एक जगह है फंसाने वाला, तो उसी में ये फंस गया, ये देखिए। और फिर इसको हम ऐसे दबा देंगे और ये हमारा धागा बाहर निकला है, तो इसको हम निकला रहने देंगे और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ऊपर। अब अब हम मशीन की साइड आ गए हैं। हमें क्या करना है, इस धागे को पकड़ना है जो हमने ऊपर की साइड धागा लिया था, उसके बाद पीछे की साइड में हमारा ये ऊपर उठा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसको ऊपर ही रखना है, इसको नीचे नहीं रखना है। उसके बाद हमें इसको पकड़ना है, ये जो हमारा पहिया है इसको हम पहिया ही बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। तो इसको हम हाथों की मदद से इसको जो सुई है हमारी उसको नीचे हमें करना है। तो जब नीचे करेंगे तो जो धागा है वो ऊपर की साइड आएगा। तो आप देख सकते हैं अभी आएगा, एक दो बार करने के बाद ही आता है वो। तो इस तरीके से हम उसको करेंगे। तो इस तरीके से ये ऊपर आ गया है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आ गया है। तो आपको दोनों धागे दिख रहे हैं ना, तो इस तरीके से धागा ये निकल जाता है और बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो एक दो बार ट्राई करेंगे तो आ जाएगा, उसके बाद इसको हम नीचे कर देंगे इधर से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको बताया है, आज मशीन को मैंने साफ किया, इसको मैंने इसमें तेल डाला, इसको हमें अच्छे से तेल डाल के एकदम अच्छी तरीके से इसको हमने साफ कर दिया है। और इसमें मैंने आपको धागा डालना बताया है और यहाँ पे सुई में कैसे धागा डालते हैं वो बताया है। तो अभी मैं आगे का आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर ठीक नहीं है। तो इतना थोड़ा सा आप पहले समझिए, उसके बाद ना मैं इसको चलाना बताऊंगी कि किस तरीके से पीको करते हैं, किस तरीके से इसको चलाते हैं। और सुई वाला एक बार मैं फिर से बता दूंगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि उसमें समझ में आया होगा। तो एक बार मैं अच्छी तरीके से और समझा दूंगी। तो अब मैं फटाफट से जाके अपना काम वाम कर लेती हूँ और इस वीडियो को अब मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड, क्योंकि ना मशीन की वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है मेरे को लगता है। तो वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड, और फिर मैं आपको उसके बारे में और भी जानकारी दूंगी। अगर आपको जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।